आज चंडीगढ़ के संडे होटल में 14th नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंस टैलेंटी सेव इंडियन फैमिली सेव इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में। उसके ऊपर ही हमारी ऑल ओवर इंडिया से, जैसे लगभग हमारे 170 प्लस डेलीगेट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। कोई चेन्नई से है, कोई भोपाल से है, कोई बेंगलोर से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है। तो ऐसे हमारे देश के कोने कोने से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, लगभग 170 प्लस एक्टिविटीज हैं जो एक्टिविस्ट हैं वो आए हुए हैं। आज जो हम यहाँ पे हमारा ये कॉन्फ्रेंस का मेन है कि जो मेल सुसाइड लगातार आप देखेंगे, 1,22,000 जो है पुरुष वो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, 48,000 महिलाएं जो हैं वो आत्महत्या कर, तो ये जो आंकड़ा है लगभग 3 गुना जो है ये ज़्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पुरुष जो हैं वो उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखिए कि हमारे देश में पेड़ पौधे जानवर हो गया, हर तरीके की बच्चों का हो गया, महिलाओं का हो गया, हर की कमीशन है और आयोग है। एक पुरुष है जो आप लगाइए कि 80% जो है टैक्स पेयर है और 55% उसकी जो है हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए ना कोई आयोग है और ना कोई मंत्रालय है। अभी हमने पूरे आप लगाओ पूरे हिंदुस्तान में 15,000 प्लस किलोमीटर मेंस कमीशन की मांग के लिए बाइक राइड की है हमारे अमजद खान और संदीप पवरिया जी ने, जिससे हम एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए भी बराबर कानूनों को भी जो है वो जेंडर न्यूट्रल किया जाए और पुरुषों के लिए जो है पुरुष आयोग या मेंस कमीशन का गठन जो है उसको किया जाए। मेंटेलिटी, अगर आप मेंटेलिटी देखेंगे तो हमारा समय आ गया है कि हमें सबकी सोच को बदलना है, तो इसीलिए हमने इस थीम को सोचते हुए यही रखा था कि मेंटेलिटी। तो हम अगर अपनी सोच को बदलेंगे और जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, पुरुष को और महिला को एक समान समझेंगे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को हक दिया गया है, तो इसीलिए हमने इस थीम को जो है मेंटेलिटी का नाम दिया था। हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 170 से ज़्यादा जो हैं डेलीगेट्स और हमारे एक्टिविस्ट मेंस राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। देश के अलग अलग कोनों से, कोई चेन्नई से हैं, कोई भोपाल से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई विशाखापट्टनम से हैं, कोई तेलंगाना से हैं, तो देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे मेंस राइट एक्टिविस्ट या पार्टिसिपेंट जो हैं इस दो दिन की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और आपको हमने इसलिए यहाँ पे इन्वाइट किया है कि जो पुरुषों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे आप समझिए कि मेल सुसाइड्स, कानूनों का दुरुपयोग, मेंस मेंटल हेल्थ, इनके ऊपर हमें अब समय आ गया है कि हमें बात करनी पड़ेगी। आपको भी जो है हमारा सहयोग देना होगा कि पुरुष समाज जो देश में जिसकी जो है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम 40-50 साल पुराने कानूनों की बात करते थे तो हमें था कि जो नए कानून हमारे देश के नेता जो हमारे लिए लेके आए हैं उसमें बदलाव होगा, पर 40 साल बाद भी हम आज वहीं खड़े हैं जहां हम 40 साल पहले थे, पर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पर हम आपके माध्यम से हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुरुषों के जो की समस्याएं हैं उनको भी, उनके ऊपर भी हमें जो है अब समय आ गया कि हमें बात करनी होगी। अगर हम सुसाइड की बात करें, पुरुष जो है 1,22,000 पुरुष जो है वो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं 48,000 जो है वो आत्महत्या कर रही हैं, लगभग ये जो आंकड़ा है 3 गुना है। इसमें ज़्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये आंकड़े जो है वो लगातार। इस इवेंट के बारे में तो रोहित जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह का इवेंट हम हर साल किसी ना किसी कोई ना कोई चैप्टर अपने स्टेट में करता है, अपनी सिटी में करता है, तो इस बारी चंडीगढ़ में ये किया जा रहा है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया इस चीज़ को। तो जैसे कि मेंटालिटी के बारे में बात हुई, मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इट्स देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड करूँगा, जिस तरीके से हमारा समाज बढ़ रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, पिछले सालों में हमने देखा कि सोसाइटी के जो ताना बाना है वो इट्स एन एवर चेंजिंग थिंग। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो इस समाज को चलाने वाले, जो गवर्न करने वाले कानून हैं, उनको भी उसी हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
जो कानून 50 साल पहले बनाए गए थे, 60 साल पहले बनाए गए थे, जिस भी सोच से बनाए गए थे, आज बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका बहुत ही वाइड स्प्रेड मिसयूज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वृहद स्तर पे उनका इस तरीके से मिसयूज हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5-6 ही मैन एंड वुमेन के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे वो एक फैमिली डिस्प्यूट है या फिर आजकल हम देख रहे हैं किस तरीके से रेप के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी छोटा सा छोटा मनमुटाव या फिर वर्कप्लेस पे कोई मनमुटाव हो या कोई भी इस तरह की मुद्दे हो, वो छेड़छाड़, झूठे रेप केसेस, इस तरह के केसेस का की शक्ल ले लेते हैं, एक बिना पे एक स्टेटमेंट के बिना पे आदमी को उसके ऊपर FIR हो जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी मान मर्यादा चली जाती है, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और सोसाइटी डिसाइड कर देती है दैट दिस मैन इज अ रेपिस्ट, सोसाइटी डिसाइड कर देती है दिस मैन इज अ क्रिमिनल, केस चलते हैं 5-5, 10-10 साल, वो बर्बाद हो जाता है आदमी और बाद में उसको ये उसको तो खैर पता ही होता है, बाद में ये पता लगता है कि वो निर्दोष था, वो उस अपराध के लिए जो कि उसने किया ही नहीं था उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस आदमी के लिए ना समाज खड़ा होता है, ना हमारे पास कानून है, ना सोसाइटी है, ना मीडिया सपोर्ट है, कोई एक न्यूज नहीं छपती कि यह आदमी निर्दोष था, और ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक हेल्पलाइन रन करते हैं क्योंकि हमारे देश में एक पेड़ भी कोई काट दे तो हेल्पलाइन है, एक जानवर भी कोई मर जाए तो हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, फॉर एवरी डैम थिंग वी हैव अ हेल्पलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आदमी अगर अवसाद में है, आदमी अगर परेशान है, सुसाइडल है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ही इज गोइंग थ्रू डिवोर्स, ही इज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, देयर इज नो हेल्पलाइन फॉर मेन, देयर इज नो हेल्पलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जहां पर एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं आदमी के लिए कि अगर आदमी को कोई अपना इश्यूज हो तो वो वहां जाके वो उस प्लेटफॉर्म पे वो इश्यूज एड्रेस हो। यही वजह है कि हमें लगता है कि मैन इज अ फॉरगॉटन जेंडर। हमारे देश में हम बात करते हैं कि महिला पुरुष को एक समान हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, जो हमारे सोसाइटी का ताना बाना है वो बैलेंस्ड हो, लेकिन वो बैलेंस कैसे होगा जब आप एक तरफ को इतना ज्यादा एम्पावर कर देंगे, जब एक तरफ को इतना ज्यादा एमिनेट कर देंगे तो वो बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में एक तरह का जेंडर वॉर चल रहा है, आदमी और औरत जो कि एक साथ चलने वाले थे वो एक और दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप वर्क प्लेस में चले जाइए, आप फैमिलीज में देख लीजिए, आप किसी भी सोशल सेटिंग में चले जाइए, इट इज मैन अगेंस्ट वुमेन। व्हाई इट इज मैन अगेंस्ट वुमेन? बिकॉज एक माहौल बन चुका है हमारे देश में, वो माहौल इसलिए बना है क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसे बनाए गए थे जो कि एक पक्ष की बात करते हैं, एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, एक पक्ष को इतना ज्यादा एम्पावर करते हैं और दूसरे पक्ष के साथ इनजस्टिस करते हैं। द मैन कैन बी बिहाइंड बार्स, एक मिनट में उसके अरेस्ट हो जाएगा। अगर पत्नी बोल दे कि मेरी सास जो थी वो सपोर्ट में थी एंड आई यूज टू गेट रेप, या फिर मेरा कंसेंट नहीं था और मेरा जो फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो कोई भी एक स्टेटमेंट के उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया, इस तरह की हम बहुत सारी कंप्लेंट्स देखते हैं, द इंटायर फैमिली विल गो बिहाइंड बार्स इन अ गैंग रेप, मैरिटल रेप केस। इस तरह के ड्रेकोनियन प्रोविजंस हैं उसके अंदर जो कि आम जनता को नहीं पता। आम जनता को पता है कि मैरिटल रेप कानून आना चाहिए, उनको नहीं पता कि इसका, वो उनको तब पता लगेगा जब उनका कोई इनोसेंट भाई, उनकी कोई इनोसेंट सिस्टर, मदर, जब उनके ऊपर झूठे केसेस होंगे तब उनको पता लगेगा कि ये कानून आ रहा था तो हमें पता ही नहीं था ये कानून क्या आ रहा है, और तब हम उनको कह पाएंगे कि इस कानून के लिए हमने आवाज उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, 28 तारीख को इसकी डेट है, सुप्रीम कोर्ट में हम भी एक पार्टी हैं और हम यही आवाज उठा रहे हैं कि कोई भी कानून जो कि पूरे समाज को अफेक्ट करने वाला है, सोसाइटी को, फैमिलीज को अफेक्ट करने वाला है, जब आप ऐसा कानून बनाते हैं तो आप उसमें चेक्स एंड बैलेंस लाइए, उस पर डिबेट कीजिए, सब पक्ष को सुनिए और एक बैलेंस कानून लेकर आइए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज मैरिटल रेप एंड आई विल पास इट ऑन टू माई अदर कलीग्स टू टेक दिस फॉरवर्ड। थैंक यू। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा रेप का आरोप लगा दिया जाए, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई कानून है देश में, कानून अपना देखिएगा, लेकिन समाज की मानसिकता क्या है?
अगर किसी के ऊपर आरोप लग गया, समाज उसको उसी नजर से देखने लगता है। आप छोटी सी कल्पना करिए, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है, उसके बाद अगर उसके पड़ोस में जो रहते हैं वो अपनी बच्ची को खींच के अंदर ले जाए, अरे हट जा, ये तो रेपिस्ट यार है, कानून क्या करेगा वो नहीं पता, वो व्यक्ति उसी जगह से भरना शुरू कर देता है कि कानून जब निर्णय देगा नहीं देगा क्या आएगा, लेकिन समाज उसको उसी तरीके से देखने लगता है। इसको और समझ सकते हैं कि कोई भी आपके ऊपर आरोप लगता है, कोर्ट तुरंत उसको जेल भेज देती है, और ये कहा जाता है कि ये जेल नहीं है, ये जुडिशियल कस्टडी है, कानून की भाषा में उसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। लेकिन समाज में, जिस समाज में रहते हैं वो क्या कहता है, अगर आप जेल चले गए, हर व्यक्ति कहता है कुछ तो होगा, जरूर कुछ किया होगा, वरना ऐसे ही जेल ना भेज दिया जाता। ये कुछ तो होगा जो एक छोटा सा शब्द है वो इतना खतरनाक है, इसके सफाई देते देते वो इंसान खत्म हो जाएगा। अब इससे क्या जेंडर बायस नहीं फैलेगी, जानते ले लीजिए, एक महिला अच्छी सी नौकरी करती है, उसकी हैंडसम सैलरी है, लेकिन वो जाएगी तो फ्री में जाएगी, उसी के अगेंस्ट में एक गरीब आदमी है लेकिन उसको किराया देना पड़ेगा, तो मानसिकता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसे सिस्टम, ऐसी समस्या ना बनाई जाए जिससे कि लोगों की मानसिकता खराब हो। और एट लास्ट बोलूंगा, ये जो हमारा समाज चलता है ये कानून से चलता है, हम चाहें या ना चाहें, देश का जो भी कानून है, लैंड ऑफ लॉ, हमें मानना ही मानना है, कोई मेरे कानून नहीं है, आइडेंटिटी का खत्म हो गया है। समाज के लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माने, उन दोनों संबंध बनते रहते थे, पंचायत बैठी है उसको भी समझाने की कोशिश की, नहीं माने वो, तो पंचायत ने जब देखा ये सब नहीं माने, तो गांव में कुछ पंचायतें का रोल अच्छा होता है, कुछ खराब भी हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जैसा होता है कि तुम रोज मुंह काला कराती इसके साथ में, तो उन्होंने मुंह काला किया होता जिस तरह से उन्होंने, इस बीच में वो आदमी जो है किसी तरह से बच के भाग गया, अब वो पहुंच गया थाने। अब आप सोचिए, उसकी शिकायत पे, प्रेमी की शिकायत पे 3 थानों की पुलिस आई है, और ना जाने कितने लोगों, 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है कि तुमने इस महिला को इस तरीके से क्यों रोका। यही पुलिस ना गांव पंचायत की, ना समाज की, ना पड़ोसी की, ना पति की शिकायत पे उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन जब समाज ने, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब उन्होंने मजबूरी में यह सब किया, कोई सुन नहीं रहा, कोई कानून नहीं, तो उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई 3-4 थानों की। आखिर हम क्या समाज में लेना चाहते हैं, कि तुम जो बाहर वाले के साथ खूब करते रहो, जो भी करना हो करो, लेकिन पति के साथ करोगे तो मेडल लेकर फंसा जाएगी, कानून आ जाएगा तब तो बिल्कुल बिंदास हो जाएगा। सर, माय बॉडी माय चॉइस।